Morning, students. So we are doing 5-year plans. As I told you yesterday, that Indian government started with the concept of 5-year plans. Okay. So far we have completed 12 5-year plans. Now the planning commission has been discarded, and its place has been taken by Niti Aayog. ठीक है, नीति आयोग के बारे में आपको मैंने बता दिया था कि जो इट इज एन इंटेलेक्चुअल टैंक जो कि पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करती है, एग्जीक्यूट नहीं करवाती. सेकेंडली, इट फॉलोज द बॉटम अप अप्रोच. द अप्रोच फॉलोड बाय प्लानिंग कमीशन वॉज टॉप बॉटम अप्रोच, दैट इज पॉलिसीज वर मेड एट द टॉप एंड वर दे वर टू बी इम्प्लीमेंटेड एट द बॉटम लेवल. But here the approach is bottom up approach, that is while formulating policies Niti Aayog takes into consideration the Panchayati Raj institutions as well as state government, and considering their requirements they formulate plans at the top level. Now bete, har 5 year plan, first 5 year plan se leke 12 5 year plans humne banaye. हर प्लान पीरियड के अपने ऑब्जेक्टिव्स रहे होते हैं, ठीक है, बट फिर भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं कॉमन होते हैं, यानी कुछ कॉमन गोल्स हैं प्लानिंग के. हमने प्लानिंग क्यों अडॉप्ट की, देयर आर सर्टेन गोल्स ऑफ द प्लानिंग, एंड इन ऑर्डर टू अचीव दोज कॉमन गोल्स एवरी प्लान हैज इट्स ओन ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, तो जो प्लानिंग के गोल्स हैं उनको हम कॉमन गोल्स ऑफ प्लानिंग के नाम से या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग के नाम से जानते हैं. वेयर एज जो हर प्लान का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स. सो टुडे वी विल बी फोकसिंग ऑन द कॉमन गोल्स ऑफ 5-year प्लान, एंड स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में सिर्फ कॉमन गोल्स ही लिखे हुए हैं, तो हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स नहीं करेंगे. We will be focusing only on the common goals of planning, also known as long-term objectives of planning. ठीक है बच्चे? So let's start. The first objective of our planning is GDP growth rate. हमने क्यों planning की? क्योंकि हम चाहते हैं हमारी country का GDP growth rate बढ़े. क्योंकि इससे पहले हमारी जो economy थी वो stagnant थी, यानी हमारा growth rate जो था वो बहुत वो बढ़ ही नहीं रहा था. ठीक है, सो नाउ वी वर फोकसिंग ऑन जीडीपी ग्रोथ रेट. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑब्जेक्टिव इन फुल पर्सपेक्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल, जीडीपी ग्रोथ रेट की जब हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट डू एग्जैक्टली वी मीन बाय जीडीपी और इंक्रीज इन जीडीपी? बेटे, इंक्रीज इन जीडीपी इंप्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट. आई ऑलवेज टेल यू, व्हेनेवर द टर्म जीडीपी कम्स अक्रॉस, तो इसका कॉमन मीनिंग क्या है? अगर आपको एक वर्ड में इसका मीनिंग किसी को समझाना है, तो जीडीपी मीन्स लेवल ऑफ आउटपुट. सो वी आर फोकसिंग ऑन इंक्रीज इन जीडीपी, विच मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट. सो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट बेटे, व्हेन इट इज कंसिस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब किसी भी इकोनॉमी में लेवल ऑफ आउटपुट कंसिस्टेंटली बढ़ता जाता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता जाता है, तो हम कहते हैं इस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. ठीक है, सो विच मीन्स जीडीपी ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, अगर लेट अस से आपकी इकोनॉमी में 2006 में जीडीपी 100 करोड़ थी, 2007 में 110 करोड़ हो गई, 2008 में 116 करोड़, 2009 में 105 करोड़, एंड सो ऑन, विच मीन्स इट इज इंक्रीजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है बेटे, वो बढ़ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज इंक्रीजिंग. सो व्हेन जीडीपी increases over a period of time, it is called as economic growth. ठीक है, अगर एक साल बढ़ती है जीडीपी, तो हम ये नहीं कह सकते इकोनॉमी ग्रो हुई है. ये जो प्रोसेस है, ये इट्स अ प्रोसेस.
ठीक है, इट शुड बी अ प्रोसेस फॉर इट टू बी कॉल्ड एज ग्रोथ, दैट इज इट शुड कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, नंबर ऑफ इयर्स तक जब ये बढ़ती जाती है तो हम कहते हैं इकोनॉमी ग्रो हुई है. तो हु डजंट वांट द इकोनॉमिक ग्रोथ? तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, व्हिच मींस इंक्रीज इन द जीडीपी. ठीक है, अब जीडीपी यानी लेवल ऑफ आउटपुट कैसे बढ़ सकती है बेटे? इन आउटपुट, जीडीपी मींस लेवल ऑफ आउटपुट. आउटपुट कैसे बढ़ सकता है? आउटपुट इनपुट से बढ़ सकता है. अगर आपके पास इनपुट ज्यादा है तो ऑब्वियसली आप ज्यादा आउटपुट बढ़ा सकते हैं. सो इनपुट को मैं कह रही हूँ रिसोर्स बेस. ठीक है, हमारी कंट्री के रिसोर्स बेस के ऊपर डिपेंड करता है. दूसरा, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्टिविटी. बेटे प्रोडक्टिविटी, अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो. यानी अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स ज्यादा आए, ठीक है, तो आप अपनी आउटपुट पर आवर बढ़ेगी तो आपकी मार्क्स भी ज्यादा आ जाएंगे. तो इसी तरह से बेटे जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, एक कंट्री के रिसोर्स बेस के ऊपर और दूसरा कंट्री की प्रोडक्टिविटी के ऊपर. सो विच मीन्स अगर आपको जीडीपी इंक्रीज करनी है तो आपको एक तो रिसोर्स बेस इंक्रीज करना पड़ेगा कंट्री का, और दूसरा आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी. ठीक है, सो प्लानिंग से हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा रिसोर्स बेस बढ़े. रिसोर्स बेस कैसे बढ़ सकता है बेटे? हमें नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा. देर आर सम रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अवर कंट्री विच आर हिडन विच हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड. सो planning should ensure that natural resources are fully explored, and secondly it should also focus on increase in productivity. So productivity hum kaise badha sakte hain bete? We can increase productivity by making use of innovative technology, right? So in this way planning would ensure that the natural resources are fully explored and technology is continuously improved, so that this growth process it achieves a momentum. ठीक है, एक momentum आ जाएगा GDP growth rate. जैसे यहाँ पर एक momentum आया हुआ है, ठीक है, एक मतलब movement है, pendulum है, चल रहा है, और अब ये trend आगे बढ़ने का ही है. हम चाहते हैं कि ये ट्रेंड बढ़ता ही जाए. उसके लिए एक हमें कंट्री का रिसोर्स बेस बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा हमें कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी. तो रिसोर्स बेस हम कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय एक्सप्लोरिंग नेचुरल रिसोर्सेज, फुली एक्सप्लोरिंग देम. एंड सेकेंडली, प्रोडक्टिविटी कैन बी एनहांस्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. सो वी शुड फोकस, आवर कॉमन गोल ऑफ प्लानिंग इज जीडीपी ग्रोथ रेट. To achieve this growth rate, the country or government should ensure that natural resources are fully exploited and productivity is continuously enhanced, making use of innovative technology. Got it, Vijay? Okay. Next objective which we focus on, or the next common goal of planning, is equitable distribution. Also known as equity. So बेटे equity का मतलब क्या है? Equity means equitable distribution of income. यानी यहाँ पर देखो, economy grow हो रही है, ठीक है, यानी country का level of output बढ़ रहा है. तो बेटे ये जो economic growth है ये तभी फायदेमंद है अगर इसके जो benefits हैं वो सब लोगों को तक पहुंचे. नाउ इफ द बेनिफिट्स ऑफ दिस ग्रोथ एक्रू ओनली टू अ हैंडफुल ऑफ पीपल, ये आपकी पॉपुलेशन है कंट्री की पूरी और आपकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, उसका बेनिफिट सिर्फ इतने लोगों को मिल रहा है, इन तक इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, देन दिस इकोनॉमिक ग्रोथ इज मीनिंगलेस. इसका कोई फायदा नहीं है. ठीक है बेटे, हम क्यों ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं? क्यों हम जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं?
क्योंकि जितना लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा उतना लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा, उतना ही लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। बट ये तभी पॉसिबल है अगर इस इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा जो है इट एक्रूज टू अ लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, सो इफ अलोंग विद दिस ग्रोथ प्रोसेस रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर, देन ग्रोथ सर्व्स नो पर्पस। इस दिस ग्रोथ इज अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसका मतलब जो ग्रोथ के बेनिफिट्स हैं इट शुड एक्रू टू अ लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल, ये इन सब तक पहुंचने चाहिए। ठीक है, सो ये तभी पॉसिबल है अगर हमारी जो इनकम जनरेट हो रही है वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं है बेटे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। We are not focusing on equal distribution. Equal distribution would imply कि अगर national income बढ़ रही है तो हर एक को same benefit मिले। We can't think of this situation. इसका मतलब ये होगा कि एक doctor और एक labor की salary same हो, ऐसा तो नहीं होगा बेटे। डॉक्टर ने अपने इतनी पढ़ाई करके इतने साल लगा के डॉक्टर बना है और लेबरर जो है वो कभी स्कूल भी नहीं गया है, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों की सैलरी सेम हो। सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वी आर फोकसिंग ऑन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन विच इम्प्लाइज अ सिचुएशन वेयर डिफरेंसेस इन इनकम आर अलाउड बट विद इन सर्टेन लिमिट्स। जैसे कि अगर मैं कहूँ एक डॉक्टर है उसको 5 लाख रुपए महीने का मिलता है और लेबरर को महीने का 50 रुपए मिलता है, इतने डिफरेंसेस, दीज आर नॉट अलाउड, दीज आर सोशली अनवॉरेंटेड, ये बिल्कुल प्रोपोर्शनेट नहीं है उनकी क्वालिफिकेशन के डिफरेंस के। हाँ, अगर क्योंकि ये वेल क्वालिफाइड है इसको 5 लाख मिल रहा है तो इसको पूरे कम से कम 50,000 मिले, दीज मच डिफरेंसेस आर अलाउड, दीज आर प्रोपोर्शनेट टू देयर डिफरेंस इन क्वालिफिकेशन। तो यानी जिसने ज्यादा मेहनत की ऑब्वियसली उसको बेनिफिट तो ज्यादा ही मिलना चाहिए ना। अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे तो लोग निश्चिंत होकर बैठ जाएंगे, वो कहेंगे मैं क्यों डॉक्टर बनूं, वो लेबरर को भी गवर्नमेंट उतना ही दे रही है और मुझे भी इतनी सैलरी दे रही है, तो वाई शुड आई वर्क हार्ड, तो वो बिल्कुल भी मोटिवेटिंग नहीं होगा। तो डिफरेंस अलाउड है लेकिन दीज डिफरेंसेस शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द डिफरेंस इन क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब यहाँ पर है कि इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी रिलेटेड टू द सोशल जस्टिस। ठीक है, ग्रोथ शुड बी रिलेटेड टू सोशल जस्टिस। बेटे यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ टू वर्ड्स, वन इज ग्रोथ एंड अनदर इज डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जनरली आप इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बेटे ग्रोथ हम कहते हैं इकोनॉमी ग्रो की है ओनली व्हेन यू नो देयर इज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। जिस इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ हो रही है हम कहते हैं वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर ये जो सोशल जस्टिस भी हो रहा है, यानी इनकम इज बीइंग इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड, सोशल जस्टिस इज ऑल्सो देयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इज इम्प्रूविंग, then development is said to have taken place. So which means growth with justice is development. Development is a wider term. So you have understood the difference between growth and development. Growth implies just increase in per capita income, whereas development implies growth with social justice. Clear with it? All right, so let's move on to the next objective of our planning,
which is modernization. So modernization का मतलब क्या है बेटे? Updation, adoption of modern technology. जब हम अपने आप को अपडेट करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मॉडर्नाइजेशन. तो यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया कि जीडीपी को ग्रोथ रेट, जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ाना है तो इट कैन बी डन इन टू वेज. वन, बाय इम्प्रूविंग द रिसोर्स बेस. सेकेंड, बाय इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी. सो बेटे आप खुद सोचो, आप कितना को रिसोर्स एक्सप्लॉयट कर लोगे. जितने रिसोर्सेज हैं उतने ही एक्सप्लोर कर पाओगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे. रिसोर्सेज को हम इंक्रीज नहीं कर सकते. वंस ऑल द रिसोर्सेज हैव बीन एक्सप्लोर्ड, हम और रिसोर्सेज नहीं एक्सप्लोर कर सकते. जब खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गए रिसोर्सेज, तो उसके बाद हम इसको कैसे एक्सप्लोर कर पाएंगे. तो अब जीडीपी ग्रोथ रेट इसका मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रोडक्टिविटी के एनहेंसमेंट के ऊपर. How can productivity be enhanced? By making use of innovative technology. ठीक है, तो बेटे साइंस जो है उसने हमें इतने तरीके बताए हैं, इस तरह से हमें नए तरीके बताए हैं चीज़ों को करने के, कि हम अपने एग्रीकल्चरल फार्म्स में या फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन को देयर कैन बी मल्टीपल फोल्ड इंक्रीज इन आवर प्रोडक्शन. इनफैक्ट एक्सपोनेंशियल मल्टीपल होता है. पहले 100 यूनिट्स हो रहे थे, आज 200 हो रहे हैं, है ना, डबल हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया. एक्सपोनेंशियल होता है इस तरह से, 100 रेज टू द पावर 2, सो व्हिच मींस नाउ द इंक्रीज इन 100 बाय 100. सो एक्सपोनेंशियल राइज आया है हमारे प्रोडक्शन में बाय मेकिंग यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स. तो ग्रीन रेवोल्यूशन आई सबसे पहले बेटे 1966-67 में. एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिस फेज को हम ग्रीन जिसके कारण एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी, और इस फेज को हम ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम देते हैं. फिर बेटे 90s में हमारी कंट्री में आईटी रेवोल्यूशन आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, जिस कारण से इंडिया में बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग BPOs खुल गए. तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसको हम कहते हैं, सो ये जो BPOs हैं इसके कारण बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, और IT सेक्टर में इंडिया इमर्ज्ड एज ए नंबर 1 सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर. ठीक है, सो अब दूसरी बात ये है बेटे, मॉडर्नाइजेशन जो है इसका एक सोशल एंगल भी है. यानी मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू द मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोशल आउटलुक ऑल्सो. We had a very orthodox outlook. सबसे पहले तो हमारी कंट्री में जेंडर बायस देखो कितना था. आपने अभी पढ़ा ना कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो लिटरेसी रेट 17% था, जिसमें से फीमेल लिटरेसी रेट वॉज ओनली 6%. दिस शोज ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग. सो दिस ऑल्सो नीड्स टू बी मॉडर्नाइज. सो The planners, they were of the opinion that जो conventional हमारी outlook है उसको भी change करके हमें modern outlook देना पड़ेगा. So women empowerment जैसे issues बहुत ज़्यादा emerge हुए. जितना हम women को empower करेंगे बेटा, उतना वो contribute करेगी in the process of production, and this would lead to the GDP growth rate of our country. ठीक है, so this was about our third objective, which is modernization. Moving ahead to the fourth objective, which is self reliance का मतलब है non dependence on other countries. ठीक है, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली बेटे तो हमारी फूड ग्रेन इतने भी नहीं थे, हम इतनी फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारी इतनी कम थी कि हम अपनी पूरी पॉपुलेशन का पेट नहीं भर पा रहे थे अपनी कंट्री में फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन करके. वी हैड टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल गुड्स तो ऑफकोर्स हमें उस टाइम पे इम्पोर्ट करने ही पड़ रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर गए थे, और मॉडर्न इंडस्ट्री कुछ नहीं सेटअप करके गए थे. उसके अलावा बेटे
हमें फूड ग्रेन्स भी इंपोर्ट करने पड़ रहे थे. सो इसीलिए हमने अपना ऑब्जेक्टिव रखा सेल्फ रिलायंस, दैट वी डू नॉट हैव टू डिपेंड अपॉन द अदर कंट्रीज. ठीक है, तो सेल्फ रिलायंस को भी प्रायोरिटी दी गई इन द फर्स्ट 7-5 ईयर प्लान्स. सो बेसिकली हमारा पर्पस सेल्फ रिलायंस का ये था कि हम नहीं चाहते थे हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करें. ठीक है, ताकि दूसरी कंट्रीज हमें एक्सप्लॉयट करें. अगर हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे, लेट अस से फॉर अवर फूड ग्रेन, दे कैन एक्सप्लॉयट दिस सिचुएशन ऑफ आवर्स. सो वी नेवर वॉन्टेड कि हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी जो है वो फूड ग्रेन्स के लिए दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करें. सो इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, ग्रीन रेवोल्यूशन गेव अवे to achievement of this objective. We became self-reliant. Not only we became self-reliant, India became the exporter of food grain from the importer of food grains. ठीक है, आज हमारी जो production है और productivity है multiple times बढ़ चुकी है. हमने ये data first chapter में भी किया था, latest data के as compared to 1950, how much increase in production and productivity has taken place. So these are the four objectives. Another main objective was full employment. So bete full employment ka matlab hai all those who are willing to work, able to work, they should get work at prevailing wage rate. Theek hai, so increase in employment was the another important objective of our planning. It would focus on the utilization of manpower resources. So, बेटे अगर हमें पॉवर्टी को दूर करना है तो employment opportunities create करनी पड़ेंगी. So, हमारी government ने बहुत सारी employment opportunities, employment programs establish किए during the 5 year plans. MNREGA, IRDP, then there is a प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये सारे इम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए इन ऑर्डर टू क्रिएट इम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज एज वेल एज अर्बन एरियाज, इन द एडुकेटेड सेक्टर एज वेल एज अनएडुकेटेड सेक्टर. जैसे कि रूरल एरिया के लोग अनपढ़ होते हैं तो उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम्स एस्टेब्लिश किए गए. जैसे नरेगा अनस्किल्ड लेबर फोर्स के लिए ही है, और इसी तरह से जो एडुकेटेड यूथ है उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम्स क्रिएट किए गए. सो बेटे अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का तभी फायदा है इफ इट गिव्स वे टू द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करती जाती है लेकिन इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती जाती हैं, यानी लार्जर सेक्शन ऑफ द पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, अगेन दिस जीडीपी ग्रोथ रेट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज अगेन इट वुड इम्प्लाई दैट बेनिफिट ऑफ ग्रोथ एक्रूज टू स्मॉलर सेक्शन ऑफ पीपल, व्हिच इज नॉट द पर्पस ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट.